गुड इवनिंग एवरीवन, आ गए सब लोग। सिर्फ पांच लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, पांच लोग एक्टिव है। अभी आठ लोग हुए हैं, बस इतने स्टूडेंट्स हैं। सात लोग एक्टिव हैं, और लोग कहाँ हैं? इतने ही लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, जो भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। मोशन क्या हमने देखे थे? फिजिकल क्वांटिटीज हम देखे थे, दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देन हमने देखे थे डिस्टेंस क्या होता है, जो पाथ हम ट्रैवल करते हैं उस पाथ को अगर मेजर करेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी पता है आपको, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ये भी हम देख लिया, ये सबको समझ में आ चुका है। स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ पोजिशन, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको बोलते हैं स्पीड। यहाँ पे हम डिस्टेंस जो कवर हो रहा है उसको टाइम के साथ कंपेयर करते हैं तो हमको स्पीड पता चलता है। फॉर्मूला देख लो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्पीड। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड होती है। यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमने कल देख चुका, ये है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी हम देख चुके हैं थर्ड पॉइंट तक, ये लास्ट पॉइंट जो होता है ये पॉइंट हमको देखना है। ये पॉइंट भी हमने देखे थे कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो सकती है। अब यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करना है। फिलहाल लास्ट लेक्चर तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान दो, मोशन जो होता है, मोशन दो तरह के मोशंस होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन,
दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना है मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो हम दोनों को समझते हैं पहले क्या होता है। देखो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट नंबर वन, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखते हैं कैसे, इस एग्जांपल से समझते हैं। ये जो कार है ये पहले यहाँ पे स्टॉप थी, स्टैंड बाय थी, वो 5 सेकंड के बाद, ये जो कार है ये 5 सेकंड के बाद में 10 मीटर तक पहुंच गई। उसके 5 सेकंड बाद ये 20 मीटर पहुंच गई, फिर 5 सेकंड के बाद में ये 30 मीटर पहुंच गई। ऐसे हम देख सकते हैं कि ये जो कार है ये हर पाँच सेकंड में 10 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म मोशन। इसको फिर से समझते हैं, देखो अभी कैसे। यूनिफॉर्म मोशन को अभी हम समझ रहे हैं पहले। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, मैं टाइम यहाँ पे लेता हूँ 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, या तो फिर 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, और इतने टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले स्टॉप था यहाँ पे, अब वो 10 मीटर तक पहुंच गया। कितने सेकंड में पहुंचा? 5 सेकंड में। कितना मीटर ट्रेवल किया? 10 मीटर ट्रेवल किया। 10 मीटर से 20 मीटर को उसको टाइम लगा 5 सेकंड, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? फिर से 10, 20 से 30, 5 सेकंड्स में गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10। तो देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 यहाँ पे हो गया ना 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस दैट इज 10 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 5 सेकेंड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सब रेगुलर होता है उसमें, सब एक जैसा। यूनिफॉर्म मोशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फिलहाल एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में हम डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर कर लेते हैं फिर से। एक बार ये समझ में आएगा फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। जब मैं उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक वॉच लिया हूँ, उसमें टाइमर लगाया हूँ और टाइम हो रहा है 0 सेकेंड। अब मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया और यहाँ से डिस्टेंस आगे आगे जाना स्टार्ट कर दिया। जब 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस कितना था? देखो 0। फिर से देखते हैं इसको। जब टाइम 0 सेकेंड था डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था? 0। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 15। 20 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस कितना हुआ? 30। 30 सेकेंड्स के बाद में डिस्टेंस कितना हुआ? 45। 40 सेकेंड्स के बाद 60, और ऐसे देखते देखते 70 सेकेंड्स के बाद में देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? 105। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ये क्या है, ये देखते हैं हम। देखो ये 0 से 10 सेकेंड, मतलब कितना सेकेंड हो गया ये? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 15। अब 10 सेकेंड के बाद से 20 सेकेंड, मतलब फिर 10 सेकेंड, ये 10 सेकंड में देखो 30 माइनस 15 कितना हो रहा है? फिर से 15 मीटर, मतलब पहले 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 10 सेकंड में फिर से 15 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में देखो क्या होता है, अगले 10 सेकंड में आप देखो 45 माइनस 30 फिर से 15। ऐसे आप लास्ट तक देखोगे तो यहाँ पे 70 माइनस 60 देखो कितना होता है? 10 सेकेंड, मतलब इस 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 105 माइनस 90 कितना होता है ये? 15। तो यहाँ पे आप शुरू से लेके एंड तक देख सकते हो हर 10 सेकंड में
यहाँ पे हर 10 सेकंड में, देखो 10 10 सेकंड बढ़ता जा रहा है टाइम, हर 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो जिस मोशन में जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में किसी को डाउट है तो पूछो, हमने यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे अभी पढ़ लिया इतना। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पॉइंट नंबर वन कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अभी किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्क्रीन में क्लियर कर देता हूँ या देखते हैं बाद में स्क्रीन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम देख रहे हैं, ये कार एक जगह पर रुकी हुई है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसको टाइम लगता है 5 सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल की इसने, 5 सेकंड। इसके बाद ये कार अगले 5 सेकंड में, शुरू के 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल की, अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, देखो 15 माइनस 5 कितना डिस्टेंस हो गया, 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में ये कार जो है 30 माइनस 15 कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 15 मीटर। अब यहाँ पे देख सकते हो हर 5 सेकंड में ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले 5 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर उसके बाद 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और अगले 5 सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कार इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस, 5, 10, 15 अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस दिस इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इस एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डिस्टेंस और टाइम को। देखो जब डिस्टेंस कार ने जीरो ट्रैवल की थी, टाइम था जीरो। अब मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ और कार ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। स्टार्ट के पाँच सेकंड में देखो 5 सेकंड हुआ ना, यहाँ पे कार ने डिस्टेंस ट्रैवल की 7। अगले 5 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 12 माइनस 7 इज 5। 15 माइनस 10 मतलब अगले 5 सेकंड में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की देखो 8, 20 माइनस 12 इज 8।
अगले 5 सेकंड में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 11 मीटर, अगले 5 सेकंड में कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है 9 मीटर, और आखिरी 5 सेकंड में कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8 मीटर। ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कहाँ से मिल रही है, देखो माइनस करते जाने का, 7 माइनस 0, 12 माइनस 7, 20 माइनस 12, 30 माइनस 20, 40 माइनस 41 माइनस 30, 50 माइनस 41, 58 माइनस 50, इस तरीके से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अन इक्वल डिस्टेंस, पहले 7 मीटर हो रहा था 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 11, 9, 8, ऐसे हर 5 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही बॉडी। इस तरह के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है सेम होता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे चेंज। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्ट्रेट जाएगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, देखेंगे कैसे। यूनिफॉर्म मोशन में याद रखना है ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, सेम। वेयरएज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। देयर इज नो एक्सेलरेशन, द बॉडी एक्सेलरेट्स, इसका मतलब समझते हो।
एक नया वर्ड मिला हमको, कि नया वर्ड है एक्सेलरेशन। इसको समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है और फिर ये पॉइंट को समझेंगे। एक्सेलरेशन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रेट। तो जब भी आप फिजिक्स में ऐसा कोई वर्ड पढ़ोगे रेट, इसका मतलब कुछ तो डिवाइड करना है हमको। इसका मतलब है कि आपको कुछ तो डिवाइड करना है। तो जब भी यहाँ पे वर्ड आ गया, देखो रेट, रेट का मतलब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कुछ तो डिवाइड करोगे किसी चीज से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब समझते हैं क्या है चेंज ऑफ वेलोसिटी का। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, उसको उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्टिंग। वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पे पहुंच गया और मैं उसको इस पॉइंट पे देखता हूँ, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी अगर होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे क्या होगी उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को याद रखो डिनोट करते हैं हम लेटर यू से, स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं लेटर वी से। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ द वेलोसिटी। तो चेंज कभी भी कैसा होता है याद रखना, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया v माइनस u। अब एक्सेलरेशन क्या होता है फिर से देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ पे हम कुछ तो डिवाइड करने वाले हैं और वो क्या है, वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है। That is called acceleration A. Clear? अब यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। तो एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to time and it is a vector quantity। देखो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से represent किया हूँ यहाँ पे एक arrow के form में, क्यों, क्योंकि ये vector quantity है। देखो जो मैंने अभी पढ़ाया वही है formula for acceleration। definition से याद रखो एक चीज, कभी भी definition से formula बनता है और formula से उसका unit मिलता है, याद रहेगा ये चीज, डेफिनेशन से फॉर्मूला मिलेगा और फॉर्मूला से उसका यूनिट। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन से फॉर्मूला बना देते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इजी सा फॉर्मूला एकदम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं v माइनस u अपॉन t, वेर एज यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, t का मतलब होता है टाइम और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया और वो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। आप पीएंगे मुझे बताओ, इसको नोट कर सकते हो आप लोग, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अच्छा अब इसका यूनिट बनाते हैं हम कैसा होता है, मैंने बताया था ना डेफिनेशन से फॉर्मूला
फॉर्मूला से यूनिट, तो अब हम फॉर्मूला से यूनिट पर आ जाते हैं, ये रहा यूनिट। अभी यहाँ पे मत देखो, पहले हम देखेंगे यूनिट बना कैसे। फॉर्मूला देखो क्या था इसका, वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू का मतलब क्या, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट तो हमको पता है क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो देखो मीटर पर सेकंड, पर सेकंड मतलब क्या, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा। एक्सेलरेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, याद रखो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, फाइनल को डिनोट करते हैं वी से, टाइम टी से ए फॉर एक्सेलरेशन। इसको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो बाद में कभी देखना है तो बाद में देख सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है यूनिट में वो यूनिट में एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी चीज़ में कोई डाउट है तो पूछो। तो सबको डाउट आ रहा है यूनिट्स में, देखते हैं ये यूनिट कैसे होते हैं। फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन टी। v माइनस यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का ही वेलोसिटी का ही यूनिट आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, वो भी सेकंड होता है। अब याद रखो आप मैथ्स में पढ़े रहोगे या फिर आप पढ़ोगे,
आपको एक चैप्टर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहाँ पे आप पढ़ोगे, या फिर किसी चैप्टर में आप मैथ्स में कभी पढ़े रहोगे, ए अपॉन बी अपॉन सी जब हम करते हैं ना, तो वो हो जाता है ए अपॉन बी इंटू सी। उसी तरीके से मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड जो होता है ना, वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? अभी ये कैसे आ गया यूनिट? तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है क्या इसमें? यूनिट में कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछो। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो वो एक्सेलरेशन हम एक और बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होता है। बहुत क्लियर कर देते हैं इसको, थोड़ा हो गया क्लियर। एक्सेलरेशन अब देखो यहां पे अब तुमको समझ में आएगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या? वी माइनस यू। चेंज कभी भी याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल। तुम फिजिक्स में कभी भी कहीं पे भी तुम पढ़ोगे चेंज, तो याद रखना है वो है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चेंज इन पोजिशन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप कोई भी चीज में अगर आप चेंज देखते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल आपको पता है क्या होता है? लास्ट, और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट। तो आपको लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस निकालना है, बस माइनस कर देना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं? टाइम अपॉन टी। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम ना डायरेक्शन देख रहे हैं। देखो डायरेक्शन दिखा दिया मैंने, इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखे थे हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो हम देखे थे उसमें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम भी है। तो हम देखते हैं कि हम ना हर चीज को मोशन में टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। देखो ना, हम कभी भी कोई भी चीज देखते हैं कि मान लो हमको कहीं जाना है ट्रेन से, तो हम ट्रेन का सबसे पहले टाइम देखते हैं, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रेन कितने बजे छूट रही है तो कितने बजे पहुंचेगी वहां पे। तो हम कभी भी मोशन को देखो टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, और मोशन को हम टाइम के साथ कंपेयर करते हैं तब हमको जाके मिलता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें, और मोशन को हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। फॉर्मूला आप सबको समझ में आ गया? देखो डेफिनेशन से एक चीज तुमको याद रखना है हमेशा, डेफिनेशन से फॉर्मूला, फॉर्मूला से यूनिट। ठीक है, किसी को कोई डाउट था क्या? अगर किसी ने कोई डाउट लिखा है यहाँ पे शंकर सूर्यवंशी, तो वो एक और बार डाउट लिख दो, आपका कमेंट जो है वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली यूट्यूब से। तो एक और बार डाउट लिखो आप अपना। एक्सेलरेशन इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैं बताता हूँ अभी। एक्सेलरेशन को अभी हम पूरा समझे ही नहीं, अभी बाकी है हमको समझना। टाइप्स देखते हैं अभी एक्सेलरेशन के।
कितने टाइप्स होते हैं एक्सेलरेशन के वो देखते हैं। अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और अगर आप इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करते हो तो आपकी बॉडी फास्ट हो जाएगी। ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन देख रहे हो आप पॉजिटिव, जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी सेम डायरेक्शन में होगा तो हम उसको बोलेंगे द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल समझो, आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हो और जैसे ही आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेटर का पेडल दबा दिया, प्रेस कर दिया। जब आप एक्सेलरेटर का पेडल प्रेस करते हो ना तो आपकी गाड़ी जो है, आपकी जो कार है वो फास्ट हो जाती है और उसी डायरेक्शन में और फास्ट आगे जाने लगती है। मतलब आपने जो एक्सेलरेट किया उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया, हेंस द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव। जहां पे हम देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी सेम डायरेक्शन में होता है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखो, आपकी जो कार है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। मान लो आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, अब आप कार ड्राइव करते हो लेकिन आपके सामने ना दूसरी कार जा रही है और ट्रैफिक है और आपको स्लो डाउन करना है उस कार को, आप क्या करोगे? आप ब्रेक का पेडल प्रेस करोगे। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो ना तो आप क्या करते हो, उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हो। तो आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव रही है, वेलोसिटी देखो किस तरफ है, इस तरफ, बट आपने एक्सेलरेट कहाँ पे किया, इस तरफ। ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे आप? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये हो गए दो टाइप के एक्सेलरेशन, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। एक थर्ड टाइप का एक्सेलरेशन होता है जिसको आप बोलोगे जीरो एक्सेलरेशन। देखो ये कौन सा है ये बताओ मुझे, सी वाला बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका आंसर दो मुझे, और डी का भी आंसर दो। ये सी और डी बताओ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन, कौन सा क्या है, सी एंड डी? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
देखो ये वेलोसिटी है वी और एक्सेलरेशन है ए, ये दोनों ना अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दिस इज नेगेटिव। देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ये है हो गया पॉजिटिव। अब मैं आपको बताता हूँ तीन तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, दो तरह के नहीं तीन तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो कि हमने देखे यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव। दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये देख लो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब थर्ड टाइप का एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन, उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अभी एक्सेलरेशन को आप ठीक से समझे ही नहीं, अब एक्सेलरेशन को हम और अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है और ये आता कहाँ से। तो पहले इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को समझते हैं कि क्या होता है। जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है, सपोज इस डायरेक्शन में, हम एक काम करते हैं, हम एक ब्लैक स्क्रीन पे इसको समझते हैं। मान लो एक बॉडी है और वो बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। जब वो बॉडी यहां पहुंची थी ना, तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। जब वो यहां पहुंच गई ना, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो मान लो आप एक कार चला रहे थे और आपकी कार पहले ना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से आगे बढ़ रही थी। आपने क्या कि उस कार में एक्सेलरेटर है, उस एक्सेलरेटर को प्रेस किए और वो कार ना और फास्ट हो गई। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो जहां भी वेलोसिटी बढ़ेगी, जहां पे भी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, डाउट नहीं है तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने एक डाउट देखा हूँ कमेंट में, वो मैं क्लियर करूंगा इसके बाद में। एक कमेंट देखा हूँ, किसी को कुछ डाउट था वो मैं बताऊंगा अभी। सपोज एक बॉडी है, वो मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, अब उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या किया, मैं उस कार में ना ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने की वजह से वो कार स्लो डाउन हो गई और स्लो होके उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन देख रहे हो आप, 5 से 1 पे आ गया, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, डाउट नहीं है तो हम अगला एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं जीरो एक्सेलरेशन, और जीरो एक्सेलरेशन के 2 एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं और उसको हम रिलेट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ। देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन सिस्टम जीरो एक्सेलरेशन देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव हो रहा है, ठीक है, एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो मान लो आप एक कार में बैठे हो और आप एक वेलोसिटी से उसको आगे बढ़ाए जा रहे हो, कुछ टाइम के बाद में भी ना उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड ही है,
मतलब आपने ना उसमें एक्सेलरेटर का पेडल दबाया और ना उसमें ब्रेक लगाया, तो कार जो है जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से आगे बढ़ती जाएगी। अब जिस स्पीड से कार चल रही थी पहले, उस स्पीड को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू। तो ये आ गया देखो यू। फाइनल वेलोसिटी होती है वी, तो हम लिख दिए वी। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब यू इज इक्वल टू वी। अब u इज इक्वल टू v, मतलब अगर आप यहाँ पे v माइनस u करोगे तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 5 माइनस 5 क्या होगा, जीरो। इसलिए हम ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। कोई डाउट किसी को इसमें? जीरो एक्सेलरेशन का हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रुका हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं और कुछ टाइम के बाद देखता हूं ऑब्जेक्ट वही है, फिर कुछ टाइम बाद देखता हूं ऑब्जेक्ट वही है, ऐसे मैं देखता हूं तो वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ ही नहीं रहा है। दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज ही नहीं कर रहा है। क्या आप बता सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है जीरो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? जीरो। कुछ टाइम के बाद मैं देखता हूं फाइनली वो उसी पोजीशन पर है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो। अब आप v माइनस u करो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो। तो आपको समझ में आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाए तो उसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं ना एक्सेलरेट किया उसको और ना ब्रेक लगाया, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। अब मान लो एग्जांपल ये जो लास्ट वाला हम देखे ना, एक ऑब्जेक्ट जो है अपने ही पोजीशन पे रुका हुआ है, सपोज यू आर इन अ कार, सिटिंग इन अ कार एंड यू आर नॉट स्टार्टिंग द कार। तो आप एक कार में बैठे हो और आप उस कार को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। कार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उसमें एक्सेलरेट करें। जब आप एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हो तो वो कार अपने ही पोजीशन पे रुकी होगी। तो आप जिस समय बैठे उस समय उसकी वेलोसिटी थी यू और वो थी जीरो। 1 घंटा 2 घंटे बाद आप बैठे ही हो कार में और कार में आपने स्टार्ट ही नहीं किया, एक्सेलरेट ही नहीं किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या थी? जीरो। अब इनिशियली वेलोसिटी थी जीरो, फाइनली वेलोसिटी थी जीरो, क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन हुआ? आपने एक्सेलरेट का पेडल ही नहीं दबाया, एक्सेलरेट ही नहीं किया आपने, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। तो उसका एक्सेलरेशन हो गया जीरो एक्सेलरेशन। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब हम एक और बार ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो को समझते हैं फिर से, ठीक है। देखो हम कभी भी एक्सेलरेशन किस तरीके से देखते हैं? चेंज इन एक्सेलरेशन से। तो देखो v माइनस u करना है। अब यहाँ पे आप v माइनस u करो, देखो कितना आता है, 15 माइनस 0। v माइनस u कर रहे हैं ना, देखो v और u, 15 माइनस 0 इज प्लस 15। आंसर ही देखो आपको क्या आ रहा है, प्लस में। हेंस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पे v माइनस u करते हैं, देखो v माइनस u, v क्या है, देखो यहाँ पे v कितना आ गया, 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 कितना होता है? सबसे पहले 1 माइनस 5 माइनस का साइन आएगा, आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, आंसर इज माइनस 4। अब देखो आंसर ही आपको माइनस में आ रहा है, हेंस द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हियर आ जाते हैं, v माइनस u करना है हमको, 5 माइनस 5 दैट इज जीरो, हेंस द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी जीरो एक्सेलरेशन। कंप्लीट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। किसी को कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछो।
ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, इजी था ना। अब आते हैं डेफिनेशन पे। यहां पे देखो, अभी आप देखो यूनिफॉर्म मोशन, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ये हर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये स्टार्ट के 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करती है, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, मतलब फास्ट हो गई ना, आपने एक्सेलरेट किए, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस, मतलब आपने और एक्सेलरेट किया और फास्ट हो गई ये गाड़ी, समझ में आपको। तो पता क्या चला हमको, पता ये चला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना उसमें एक्सेलरेशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो। तो पता चला हमको तीन तरह के एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। इस एग्जांपल से समझो फिर से, अभी इसको क्लियर कर देता हूं पहले मैं स्क्रीन को। ये देखो ना, ये हर 10 सेकंड में ये जो गाड़ी है ये 15 मीटर ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखो हर 5 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब इसको हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे तो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ जाएगा। देखो शुरू के 5 सेकंड्स में ये गाड़ी ने ट्रेवल की 7 मीटर का डिस्टेंस, अगले 5 सेकंड में, मतलब देखो 10 में से 5 माइनस कर दो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 5। स्लो हो गई ना, स्लो डाउन हो गई, तो यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, समझा। ये जीरो से शुरू की और जीरो से 7 आने में देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सेलरेट तो करना पड़ेगा। अगले 5 सेकंड में देखो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 20 माइनस 12 मतलब 8, वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगले 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगले 5 सेकंड में देखो 9, मतलब वेलोसिटी कम हो गई, माइनस, नेगेटिव। अगले 5 सेकंड में देखो 50 माइनस 41, 50 माइनस 40, यहाँ पे 11 आ रहा है, सॉरी 11, एक्सेलरेशन बढ़ गया, यहाँ पे 9 नेगेटिव और यहाँ पे 8 नेगेटिव। यहीं पे आप देख सकते हो, मान लो ये कार का डिस्टेंस बताया है, टाइम के साथ कंपेयर किया है, तो आप कभी ना गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो तो कभी ब्रेक लगा रहे हो, कभी एक्सेलरेट कर रहे हो तो कभी ब्रेक लगा रहे हो। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जिसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी आते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आता है, वेयर एज यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। तो अगर मैं कहूं द बॉडी इज एट रेस्ट, देन इट कैन बी सेड दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो एक्सेलरेशन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब किसी का एक डाउट था वो क्लियर करेंगे और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन, सपोज द बॉडी वॉज एट रेस्ट, आपकी एक बाइक है जो रुकी हुई है एक जगह पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बताओ,
इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। आप उस बाइक को एक्सेलरेट करते हो और एक्सेलरेट करके आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो एक डायरेक्शन में मूव हो रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में। कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी वो होगी v, और मान लेते हैं कि वो फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, स्टार्ट करके यहाँ पहुँचने के लिए आपको टाइम लग गया 10 सेकंड्स का। तो यहाँ पे हम देखो डेटा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको वैल्यूज क्या मिली, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको मिला t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस u, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी देखो कितना है, 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 अपॉन टाइम कितना है, 10। तो सबसे पहले देख लो 50 माइनस 0 कितना होगा, 50 अपॉन 10, द आंसर शुड बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये आपको नोट करना है, इसको नोट कर लो, किसी को कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ सकता। अच्छा बता सकते हो ये एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है या जीरो एक्सेलरेशन है, ये आप कमेंट में लिखोगे। इसको आइडेंटिफाई करो कौन सा एक्सेलरेशन है और कमेंट में लिखो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। ठीक है, तो ये डाउट था किसी को, कोई क्या नाम था उनका, शंकर सूर्यवंशी, यूजर नेम शंकर सूर्यवंशी। क्लियर हुआ ये डाउट क्लियर हुआ सबका। आज जो पढ़े हम इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, हर सम में u हम जीरो नहीं लेंगे, वो हमारे ऊपर है हमको क्या दिया होगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमको कुछ वैल्यू भी दी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो जीरो हो।
ये सबने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी इसको हटाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो, ठीक है? पर अगर हट भी गया तो आप ये वीडियो वापस से देख सकते हो। तो आज हमने स्टार्ट किए थे यहाँ से, अब देख सकते हो आप लोग, मैंने ये हम थर्ड पॉइंट छोड़ दिया था और मैंने एक्सप्लेन भी किया अभी। यूनिफॉर्म मोशन में देर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब जीरो एक्सेलरेशन, हमने ये पॉइंट समझ लिए थे, ये पॉइंट समझे थे और ये पॉइंट भी हमको समझ में आ गया। ये सबको क्लियर होगा, ये बहुत इजी चीज थी, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये फॉर्मूला है, यूनिट्स, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, बस यहीं तक हमने आज देखे, ठीक है? किसी को कोई डाउट नहीं है। जाने के पहले आपको क्या करना है, आपको कमेंट में अपना नाम लिख कर जाना है ताकि अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक करके जाओ वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।